देखिए, जो हमारा चुनाव होता है उसमें हम पोलिंग पार्टीज बनाते हैं, जिसमें एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और साथ में उनके 3 या 4 पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं जो ड्यूटी पर होते हैं। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी ट्रेनिंग का फर्स्ट स्केड्यूल जो आज जारी किया है, और यहाँ पे 896 हमारे कर्मचारी हैं जिनको ट्रेनिंग के लिए हमने बुलाया है और अपना ट्रेनिंग प्रोसीजर शुरू कर रहे हैं। ट्रेनिंग में मुख्यतः हम यह बताएंगे इनको PPTs के जरिए कि किस तरह से EVM VVPAT को यूज़ किया जाता है, कैसे आप उसमें ध्यान रखेंगे, प्लस हमारे साथ जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको अलग से यह समझाया जाएगा कि इलेक्शन के दौरान हम डिफिकल्टीज फेस करते हैं। जैसे कई बार कोई ब्लाइंड वोटर्स आ जाते थे, या कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे मतदान करना नहीं आता है, मुझे बताइए, तो इस तरह की चीज़ें हैं जो हम सिखाते हैं उनको। प्लस पोलिंग स्टेशन को कैसे सेटअप किया जाता है, पोलिंग पार्टीज एडवांस में मूव करती हैं तो क्या तैयारियां करनी है, किस हिसाब से करनी है, आज उस विषय में पहली ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके बाद दोबारा ट्रेनिंग अरेंज होगी, कब दोबारा शेड्यूल की गई है? देखिए, इसके बाद 2 ट्रेनिंग्स और शेड्यूल की है हमने, वो नवंबर की पहली वीक में ही हो जाएगी। तो अभी पहला दौर शुरू है, जो यहाँ पे लोग आज ट्रेनिंग में आए हैं रेंडमाइजेशन के बाद वो किसी और सब डिविजन में, किसी और कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर अपनी ड्यूटीज देंगे। कई बार EVMs में जो है दिक्कत खासतौर से वोटिंग के दौरान देखने को मिलती है, उस संदर्भ में भी कर्मचारियों को जो है? हाँ जी, हमारे पास डूज एंड डोंट्स है कि किस तरह से आपने EVM को जोड़ना है, कैसे कनेक्शन बनाने हैं ताकि उस समय कोई प्रॉब्लम ना आए। अदरवाइज EVMs मैल फंक्शन होना, इसका बहुत ही कम जो हम कहेंगे रेट या रेशियो रहेगा, ह्यूमन एरर हो सकता है। तो हम कोशिश यही करेंगे कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी रहे और हमारे लोग कम से कम इसमें एरर करें। ठीक है, थैंक यू।